अब मैं तैयार हो चुका हूँ शब बरात के लिए। अब मैं शब बरात हूँ, सॉरी। अब हम कब्रिस्तान जाएंगे, इधर आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। अब मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, कब्रिस्तान से फिर मस्जिद में। मतलब कब्रिस्तान में जरूरी नहीं होता कि आज के दिन ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सहरी का टाइम है, मैं और माज दोनों सहरी खा रहे हैं। माज रात को पहले कब्रिस्तान गए, फिर मस्जिद में इन्होंने इबादत की, फिर ये 3 बजे के करीब आए थे, तो फिर हम दोनों ने सहरी करी क्योंकि मैंने रोज़ा रखा था। पहले मैं इबादत कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी, कुरान शरीफ पढ़ा मैंने और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ी थी। ये रात होती है इबादत के लिए है, शबे कदर जो भी होती हैं इबादत के लिए होती हैं। तो फिर मैंने कुरान शरीफ और पढ़ा, पूरी रात ऐसे ही माशाल्लाह इबादत की। थोड़ी देर में सोई भी थी, ये नहीं कि मैं सोई नहीं हूँ, मैं सोई भी थी। वेलकम टू सबा फूड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। तो फिर मैंने इफ्तारी के लिए सोचा थोड़ा सा मैं चिकन का बनाती हूँ, तो मैंने चिकन नगेट्स बनाए थे इफ्तारी में, चिकन नगेट्स और चिकन समोसे। तो मैं नगेट्स की आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो ये मैंने चिकन लिया है, ये 400 ग्राम के करीब होगा। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और अदरक बारीक कटा हुआ है, ये डाला है इसके अंदर। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, और थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, और 2 हरी मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून नमक है इसके अंदर। और हरा धनिया है ये 1 मुट्ठी के करीब, और ये 1 चम्मच मेयोनीज़ है, 1 टीस्पून मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है चिकन में, जैसे चिकनाहट नहीं होती ना बिल्कुल भी, तो आप ज़रा सी मेयोनीज़ डाल दें बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने इसको मिक्स कर दिया था, आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1/2 घंटे 1 घंटे के लिए। अब ये मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, ये ताज़े से ही हैं ब्रेड, मतलब बहुत ताज़े भी नहीं है, थोड़े से बासी हैं लेकिन सूखे हुए नहीं हैं। इनको मैंने थोड़ा पीस लिया है, ब्रेड क्रम बना लिया इनका। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन 1/2 घंटे मैरिनेट हो गया था, इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए इसमें, दिखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल गायब हो जाए इसके रेशे, रेशे दिखने चाहिए। तो ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, इससे भी अच्छा रहता है क्योंकि जब हम इसके नगेट्स बनाएंगे तो ये हाथ में नहीं चिपकेगा। तो ये इसको ढक के रख दें। अब ये देखिए, सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, ब्रेड क्रम और ये फ्लावर है, मैदा। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम में थोड़ी सी काली मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी नमक, और थोड़ा सा इसमें डालूँगी फ्रूट चाट। आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपको डालना है, ज़्यादा कम जैसे भी हो। अब हम चिकन लेंगे और चिकन के नगेट्स बनाएंगे। पहले इसका हम शेप बनाएंगे, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, इसके कोई वो नहीं है, आप किसी भी शेप में इसको नगेट्स को बना सकते हैं। रोल भी कर सकते हैं इसका, हार्ट शेप भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से नगेट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा, इसको शेप दे के सबसे पहले हम इसको लगाएंगे मैदे में। मैदे में लगाने से ऐसा होता है कि ज़रा इसमें फिर अच्छी तरह कोटिंग चढ़ जाती है। फिर इसके बाद ये मैंने 2 अंडे फेंट के रख रखे हैं, इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसके बाद डालेंगे हम ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम मैंने घर में ही बना रखा है, ब्रेड सुखा के मैंने पीस रखे हैं, ये घर का ही ब्रेड क्रम है, मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए बन गया, मैं एक और बना के दिखा देती हूँ, बहुत इजी है। ये देखिए, शेप देके इसको मैदे में कोट करेंगे पहले, फिर इसको हम डालेंगे अंडे में, एग में, और फिर इसके बाद डालेंगे हम इसको ब्रेड क्रम में। और ये हमारे नगेट्स सारे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इतने कम की उसमें चिकन में इतने सारे नगेट्स बन गए हमारे। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम एक एक करके अपने सारे नगेट रख देंगे, क्योंकि ये हमारा जो कीमा है कच्चा है, इसे हमें पकाना है, तो इसे बहुत तेज़ ऑयल में डालेंगे जो एकदम ही जलने लगे। हल्के हल्के ये पकने चाहिए जो अंदर तक हमारा चिकन पक जाए। पक तो ये बहुत जल्दी जाता है क्योंकि काफ़ी देर हो गई इसको रखे हुए, तो मैरिनेट हुए हुए। और जैसे ही आपको लगे थोड़ा सा नीचे से ब्राउन होने लगे हैं, तो इसको पलट दें। ऐसे ही उल्टा पलटी करके इसको पकाते रहें, 5-7 मिनट में ये पक जाते हैं बहुत अच्छी तरह। ये देखिए हमारे नगेट्स बन के तैयार हो गए। मैंने और भी डाल दिए थे जो थे साइड में करके। ये देखिए बन के हमारे नगेट्स तैयार हैं, कितने बेहतरीन लग रहे हैं। अब मैंने बनाए थे चिकन समोसे, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर। तो ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे। रोज़े के लिए तो जी चाहता है कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे चिकन समोसे, इसकी मैंने पट्टी भी घर में बनाई थी, पूरा तैयार मैंने घर में ही किया है। ये इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊँगी दूसरी वीडियो में। और ये थोड़ी सी पापड़ तल लिए थे कचरियाँ, और ये हमारा लग गया दस्तरखान रोज़ा खोलने के लिए। माशाल्लाह से कितना अच्छा, बस अम्मास तो दुकान पे थे, चले गए थे अली ना, और मैंने रोज़ा खोला था। अली भी सो रहे थे, मैंने सोते हुए उठाया था अली को, फिर हमने दोनों ने रोज़ा खोला अली ना और मैंने। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने रोज़ा पूरा करवा दिया। अल्लाह मियाँ आगे रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह पाक हिम्मत दे सबको, सब मोमिन भाइयों को के पूरे रोज़े रखें। अल्लाह मियाँ सबको अपने रहमत से, रोज़ों की बरकत से इतना दे कि सब हंसी खुशी अपना रोज़े रखें पूरे महीने के, और सबकी अल्लाह मियाँ बहुत अच्छी तरह ईद मनवाए, सबकी मनवाए, सब गरीबों की, अमीरों की, सबकी कोई फ़िक्र फिक्रात ना हो किसी को भी, और बहुत खुशी से, क्योंकि हमारे तो त्यौहार भी सिर्फ दो ही हैं, ईद और बकरीद। अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे अपने घर में और हमें भी साथ में। अल्लाह मियाँ सबके घरों में खैर और बरकत दे और सबको खुश रखे। फिर मेरा अली रोज़ा खोल के ऑफिस गए, फिर नमाज आ गए। मट्टू नगेट्स कैसे लग रहे हैं, चिकन समोसे कैसे लग रहे हैं? इफ्तियारी तो तुमने खा ली, सही लग रहा है? अभी क्या खा रहा है? चिकन समोसा, चिकन समोसा, नगेट्स नहीं खाए? नगेट्स खा के बता। रमज़ान में क्या चीज़ ज़्यादा बनाओ, स्प्रिंग रोल, नगेट्स या चिकन समोसे? ये भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। चिकन नगेट्स दोनों चीज़ें चिकन की है। बढ़िया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।